साल 2014 के घोषणा पत्र में अयोध्या मामले को अध्यादेश के जरिए निपटाने की बात करने वाली भाजपा के सोरा बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस मामले पर हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है उससे तो मालूम हो रहा है कि भाजपा अब किसी भी कीमत पर अध्यादेश के जरिए राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती है। मंदिर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार से हमने निवेदन किया है, सरकार ने कहा कि कोर्ट उसका फैसला दे, लेकिन समस्या क्या है कि उसमें कांग्रेस रोड़ा है, पूरा देश जान गया है। ये कपिल सिब्बल जब भी सुनवाई होती है बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बताते चले आपको, भाजपा लोकसभा में बहुमत से है तो ऐसे में मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए अयोध्या मामले का निपटारा कर सकती है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में स्थिति साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर फैसला करेगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।